आप देख रहे हैं अपना समाचार। जी हाँ, मैं निर्माता दिलीप जी को, निर्देशक नीलमणि जी को, जिनके अंडर में मुझे पहली बार काम करने का मौका मिल रहा है, और मेरे छोटे भाई सत्येंद्र इस फिल्म के नायक हैं, नया चेहरा आलमराज, और हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत खूबसूरत और मेहनती नायिका अंजना हैं, अवधेश जी हैं, तो कुल मिलाकर एक सशक्त टीम है इनके पास। ज़रूर एक अच्छी फिल्म बनेगी। और दिलीप बाबू से जब मेरी मुलाकात हुई तो इनके अंदर जो जज्बा मैंने देखा एक भोजपुरी फिल्म बनाने का, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मगर हाँ, आज के इस कार्यक्रम में एक बात कहना चाहूँगा कि शायद वक्त पे आने की मेरी बुरी आदत है, इसी वजह से पिछले 37 वर्षों से इस फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। लेकिन आज इस प्रोग्राम में हमारे बहुत साथी कलाकार नहीं आ पाए, हो सकता है किसी वजह से कहीं व्यस्त हूं, नहीं जानता, लेकिन मेरी शुभकामना है उन लोगों को। और ज़रूर जो वक्त बदल रहा है, जब समाज बदलता है तो भोजपुरी सिनेमा बदलता है या कोई भी सिनेमा बदलता है, तो दिलीप जी और नीलमणि जी जो ये फिल्म लेके आ रहे हैं जावाज, निश्चित इस वक्त की सबसे बड़ी फिल्म साबित होगी, ऐसी ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। मैं डायरेक्टर साहब से जानने की कोशिश करूंगा, सर कैसी होगी फिल्म? बहुत सारे स्टार्स नजर आ रहे हैं, कुछ नए कुछ पुराने चेहरे, कॉकटेल पूरा दिखाई दे रहा है, मुझे जरा बताइए फिल्म के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में। कॉन्सेप्ट के बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये एक फैमिली ड्रामा और एक्शन थ्रिलर फिल्म है। फैमिली ड्रामा के साथ एक्शन का कॉम्बिनेशन पिछले काफ़ी टाइम से हमारी इंडस्ट्री में चल रहा है, लेकिन ये एक अलग तरह की फिल्म होगी। बहुत ही मज़ेदार, मसालेदार, हर चीज़ कमर्शियल ड्रामा है, कुछ बहुत कुछ नया नहीं है, लेकिन प्रेजेंटेशन नया रहेगा। ये मेरा वादा है कि जो प्रस्तुति रहेगी फिल्म की वो बहुत ही यूनिक रहेगी, और साथ में हमारे कुणाल भैया हैं, बड़े भाई इनका आशीर्वाद है, अवधेश भैया हैं। क्षमा चाहते हुए एक बात कहूँगा, लेकिन इस फिल्म में अश्लीलता मत रखिएगा, ये मेरा विनम्र निवेदन है आप लोगों से, क्योंकि हमारी घर की माँ बहनें फिल्म देखने नहीं आती हैं, और किसी भी क्षेत्रीय भाषा की फिल्म की सफलता घर की महिलाओं के द्वारा ही होता है। जी सर, अश्लीलता के तो खिलाफ मैं खुद हूँ, इंडस्ट्री में अश्लीलता ना हो तो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री और ऊपर जाएगी, इसके कारण कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाहर बुराइयाँ होती हैं फिल्म इंडस्ट्री की। खैर, उन सब से हट गए, ये मैंने पहले ही कहा कि ये एक फैमिली ड्रामा है, तो फैमिली ड्रामा है तो फिर अश्लीलता की जगह नहीं है। फैमिली ड्रामा की एक फैमिली के ताने बाने बुने गए हैं, बहुत अच्छे मज़ेदार, सत्येंद्र जी भी अच्छे एक्सपीरियंस होल्डर, अच्छे नायक हैं, और बाद बाकी दो नए जो चेहरे हैं हमारे आलमराज और बिक्की बबुआ, ये दोनों बिहार के उभरते हुए और बहुत ही अच्छे स्टार सिंगर में गिनती है इनकी, इनका बहुत ही अच्छा व्यूअरशिप है, ये हमारे बिहार के भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार्स हैं, तो इसका फ़ायदा हमें कमर्शियली मिलेगा, और बाद बाकी प्रस्तुति हमारी बहुत ही बेहतरीन होगी, ये वादा है मेरा। प्रोड्यूसर साहब से जान लेते हैं, सर आप मुझे नहीं बताया गया कि आपने कोई फिल्म की है या नहीं, या फिर आप पहली बार फिल्म कर रहे हैं, जरा बताइए कैसे खा रहा है कि एक फिल्म बनाई जाए, वो भी जाबाज। पहले तो मैं दिलीप सिंह, तो सबको नमस्कार, अपना नाम विशेष हम क्या बोले, बात है कि सिर्फ आशीर्वाद और प्यार मोहब्बत हमको बनाए रखी है। मैं हूँ जब हम हैं जवाब, ये फर्स्ट मेरा फिल्म है, सिर्फ आशीर्वाद मोहब्बत बनाए रखी है, वही मुझे चाहिए और कुछ नहीं। जी, अच्छी बात है कि नए नए मेकर्स, नए नए प्रोड्यूसर्स इंडस्ट्री में आ रहे हैं, यकीनन ये बूस्ट करेगा। जी हाँ, देखिए आज भोजपुरी सिनेमा का ये 55-56 वर्ष
गुजर रहा है और मैं ईश्वर की बड़ी कृपा अपने ऊपर मानता हूँ कि ये 37वां वर्ष है इस भोजपुरी सिनेमा से जुड़े हुए। तो मुझे लगता है कि आज का जो यंग जनरेशन है, जब मैं नायक था गंगा किनारे मोरागांव और दूल्हा गंगा पार के समय, उस समय मीडिया या पढ़े लिखे लोग फिल्में तो देखते थे और घर की महिलाएं भी आती थी, लेकिन कहीं ना कहीं भोजपुरी सिनेमा से तो जोड़ने में उनको तकलीफ़ नहीं थी, लेकिन बाहर में जाने के बाद वो एक हीन भावना महसूस करते थे अपने बारे में। लेकिन आज की जो नई पीढ़ी है, आप पत्रकारों की पीढ़ी है या ऐसे निर्माता निर्देशक हैं या कई सारे कलाकार हैं या आलम राज और विकी बबुआ ऐसे नौजवान बच्चे जो आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में, तो कहीं ना कहीं ये है कि हमारे अंदर वो ताकत है कि मैं चांद पर पहुँच सकता हूँ, उतनी ही ताकत है मुझे, अपने भाषा पे गर्व है, मैं अपनी भाषा को प्यार भी करता हूँ। तो ऐसे नौजवान अगर आ रहे हैं तो निश्चित रूप से भोजपुरी सिनेमा को और ऊंचाई मिलेगी। और जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि दिलीप जी से मिलने के बाद इनके अंदर जो जज्बा देखा, तो अगर इनकी ये पहली फिल्म भी होगी तो इनको लड़खड़ाने नहीं देंगे, इनको संभालने के लिए हम लोग हैं, आप सब लोग हैं, आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। नीलमणि जी यंग डायरेक्टर आज के जनरेशन की फिल्म बनाएंगे, अश्लीलता नहीं हो लेकिन वक्त के हिसाब की फिल्म हो, यही मेरा आग्रह इन दोनों से है। नीलमणि जी, कब तक शुरू हो रही है फिल्म, कहाँ कहाँ शूट करेंगे सर? ये फिल्म हम शुरू कर रहे हैं मई एंड और जून फर्स्ट वीक से। इसकी शूटिंग बिहार यूपी में भी झारखंड के सुंदर लोकेशनों पे की जाएगी, जहाँ पे हमारी फिल्म की डिमांड होगी, जो लोकेशन का डिमांड होगा हम वहाँ पे फिल्म करेंगे। और बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, आप लोग ये इसको लिखा है हमारे राजेश पांडे जी ने, बहुत ही अनुभवी लेखक हैं, बहुत ही अच्छा कहानी को उन्होंने बनाया है, बहुत ही अच्छा ताना बाना बुना है और बहुत ही लाजवाब स्टोरी है। क्योंकि पहली बार मैं आ रहा हूं तो मैं ढूंढ रहा था ऐसी कहानी जो कि बहुत ही अच्छी कहानी हो, जिससे कि कुछ बेहतर कुछ अलग करने की कोशिश करूं, ताकि भीड़ में मैं भीड़ का हिस्सा ना बनूं, थोड़ा सा कुछ अलग हो, तो वो कोशिश मेरी रहेगी। बस बाद बाकी आप सबका सहयोग चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू, थैंक यू। आप देख रहे हैं अपना समाचार।